जय हिंद मेरे भाइयों, मैं आपकी बहन सैयदा नाहिदा खादरी, खिदमत खल्क क्रिश्चियन की प्रेसिडेंट। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज 19 मार्च था और मंगल का दिन। आज मैं इस वक्त रात का 1 बज रहा है, मैं 19 मंगल और चाशुमे की दरमियानी रात का वक्त है, ये 1 बज रहा है। मुझे इस वक्त आपके पास लाइव आना पड़ा क्योंकि इस वक्त एक बच्ची की जिंदगी का सवाल है। एक अनमई बच्ची, जवान बच्ची जो 19 से 20 साल की उम्र है उसकी, इस वक्त वो वेंटिलेटर पे है। बहुत ही ज्यादा उनके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत मुश्किल में है उनके घर वाले, क्योंकि ये बच्ची एक अच्छे घर से ताल्लुक रखती है। इस वक्त वो बच्ची के जो दो घर वाले हैं मेरे सामने मेरे ऑफिस में बैठे हुए हैं, वो लोग मेरे पास आए हैं। बहुत ही ज्यादा परेशान हाल है बेचारे, क्योंकि बच्ची को जितना भी पैसा लगाना, जो भी पैसा इनके पास था वो पूरा पैसा लोग लगा चुके हैं। इस वक्त इनके पास अपनी बच्ची को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को बचाने के लिए पैसे नहीं है। यहाँ तक के दवाखाने का जो बिल है वो 40 से 45 हजार रूपये बिल हो चुका है और फार्मेसी का बिल 32 हजार, चिल्लर फार्मेसी की बिल हो चुकी है अभी तक। तो ये लोग चाहते हैं कि कोई भी अल्लाह की राह में आकर इनकी मदद करे, क्योंकि इस वक्त ये बहुत ज्यादा परेशान है। बच्ची इस वक्त वेंटिलेटर पे बहुत ही ज्यादा सीरियस है, 19 से 20 साल की बच्ची की उम्र है। और मैं बच्ची की चेहरा बताना आप लोगों को मुनासिब नहीं समझ रही हूँ, क्योंकि अनमई बच्ची है, अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है, इसीलिए बच्ची को भी बताना मैं आपको मुनासिब नहीं समझ रही हूँ। और साथ में घर वाले जो है बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी से, वो लोग भी वीडियो में आना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि एक अच्छे घर से ताल्लुक रखने वाले हैं, अचानक से उन लोगों के ऊपर इस तरह की मुसीबत आ गई। मुझे खुद बहुत ज्यादा अफसोस हुआ देखकर, और मैं खुद भी हॉस्पिटल गई थी जाकर बच्ची की हालत देखी हूँ। बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन है बच्ची का, वेंटिलेटर पे है इस वक्त बच्ची। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप लोग जैसे चाहे इस बच्ची की मदद कर सकते हैं, 2000, 3000, 5000, 10000 जो चाहे आप लोग देकर इसकी मदद करिए। और एक चीज आप लोग ये बता दूं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, इसमें सऊदी, दुबई, इराक, दम्माम, कई अपने मुल्कों के लोग मुझे देख रहे हैं, जैसा कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के भी लोग हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, कई सारे मेरे फॉलोवर्स हैं जो मुझे देखते रहते हैं। तो उन तमाम लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे इस वीडियो को आप लोग जल्द से जल्द शेयर करिए। और आप लोग भी अगर इस काम में हिस्सा लेना चाहते हैं, अगर आप लोग भी इस बच्ची की मदद करना चाहते हैं उसकी जान बचाने में, तो आप लोग के कोई रिश्तेदार अगर हैदराबाद, इंडिया हैदराबाद में अगर आपके कोई रिलेटिव्स है, तो आप उनसे कहिए कि डायरेक्ट जाके हॉस्पिटल में मदद करिए। और मैं आप तमाम लोगों से कहती हूँ कि आप लोग प्लीज डायरेक्ट हॉस्पिटल को जाइए, पहले पेशेंट को देखिए, वहां पर जो बच्ची वेंटिलेटर पे हो उसे मिलिए, उसको देखिए। उसको देखने के बाद ही अगर आप चाहे तो दवाखाने का बिल बनना चाह रहे तो जाके डायरेक्ट काउंटर पे जाके दवाखाने को बिल बन दीजिए, 3000, 5000, 10000 जो भी आपसे हो रहा बिल बन दीजिए। और दवाइयों के लिए भी अगर आप बिल बनना चाह रहे हैं, 32000 चिल्लर दवाइयों की बिल है, वही मेडिकल है दवाखाने में नीचे, आप लोग चाहे तो वहां पर पेशेंट को देखने के बाद दवाइयों के भी पैसे दे सकते हैं। तो मैं प्लीज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक बच्ची का सवाल है, 19 से 20 साल की उम्र की बच्ची है जो इस वक्त अपनी मौत से, जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है, अपनी मौत से लड़ रही है। तो इसके लिए आप लोग, मैं आप लोगों को क्या बताऊं, यहाँ तक कि मुझे ये भी बताया गया है कि बच्ची को इस वक्त दवाइयों के लिए भी उनके पास पैसे नहीं है, इसी वजह से इतना मेडिकल पे उधार हो चुका है वहां पर। तो कल की भी दवाइयों की लोगों को फिक्र पड़ गई है कि कल बच्ची को जो इंजेक्शन वगैरह दवाएं जो मंगेंगे डॉक्टर्स, वो भी नहीं है उनके पास पैसे। तो इसलिए आप लोग जितना जल्दी हो सके बच्ची की मदद करिए, डायरेक्ट जाके मदद करिए। आप, मैं तमाम लोगों से कह रही हूँ, डायरेक्ट दवाखाने को जाइए, पेशेंट को देखने के बाद ही मदद करिए, जो होता है मदद करिए आप लोग। ऐसा नहीं है कि पूरा बनिए या ज्यादा दीजिए, नहीं, 2000 भी दे सकते हैं, 3000 भी दे सकते हैं, 5000, 10000 जैसा आप लोग चाहे सब बिल बन सकते हैं बच्ची का, या फार्मेसी का बिल बनिए दवाइयों का, या फिर दवाखाने का बिल बनिए। खुदा हाफिज़, जय हिंद।